हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रसम की रेसिपी लेके आई हूँ। ये सहजने की फली की रसम है, जिसे हम ड्रम स्टिक बोलते हैं। बहुत आसानी से बन जाती है। इसे हम पतीले में बनाते हैं, कुकर में नहीं बनाते हैं, ना ही इसके लिए दोस्तों कोई मसाला भूनना पड़ता है। इसके लिए मैंने जो रसम मसाला यूज़ किया है, वो मेरा होममेड रसम मसाला है। आप उसकी रेसिपी मेरे ड्राई मसाला जो फोल्डर है उसमें, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एकदम आसान है, बन भी बहुत जल्दी जाएगी। आप जैसे मैंने बनाया आप उस तरह बनाइए, आपको परफेक्ट साउथ इंडियन वाला टेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, जो सहजने की फली होती हैं उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। उनके ऊपर जो हरा रंग का छिलका होता है वो मैंने नहीं हटाया है, जस्ट काटा है। और थोड़ा थोड़ा अगर निकल गया है तो कोई बात नहीं, एकदम ताज़ा है दोस्तों। ये मेरे गार्डन की ड्रम स्टिक्स हैं, जिसके मैंने अपने पेड़ से तोड़ा है फटाफट, और बनाया तो एकदम क्रंची हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं। इसीलिए आज मैं इससे रसम बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, ड्रम स्टिक हैं जिन्हें मैंने काट लिया, आप आवश्यकता अनुसार ले लीजिए। 3 से 4 टमाटर हैं जिन्हें भी मैंने काट कर रख लिया है। रसम है तो टमाटर तो बहुत सारा लगेगा ही। दक्षिण भारतीय दोस्तों रसम है तो इसमें करी पत्ता और हरा धनिया डलेगा। हरे धनिया की छोटी छोटी डंडियां होती हैं, उन्हें भी मैंने काट दिया है, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सिर्फ पत्तों से स्वाद नहीं आता है, आप थोड़ी डंडियां भी डाला कीजिए। खाते वक्त आप उन्हें निकाल भी सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने भगोनी में सिर्फ 1 चम्मच तेल लिया है। बहुत कम तेल में दोस्तों ये बन जाती है। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हुआ, मैंने आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई डाल दिया। दोस्तों, इसमें दोनों डालेंगे। जैसे ही राई और जीरा चटकता है, गैस जो है एकदम सिंपल है, क्योंकि भगोनी पतली होती है तो तेल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। उसके बाद मैंने इसमें अपना करी पत्ता डाल दिया है। भूनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, फटाफट हम इसमें अपने टमाटर डाल देंगे। और मैंने अभी इसमें अपनी सहजने की फलियाँ डाल दी हैं। दोस्तों, ये पानी में बहुत अच्छे से उबलती हैं, तो सहजने की फलियों का स्वाद आ जाता है, टमाटरों का स्वाद आ जाता है। और हरा धनिया दोस्तों अभी डाल दिया जाता है इसमें। ये एकदम ग्रामीण स्थानों में जैसे बनती है, उस तरह से मैंने इसको बनाई है, तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। 2 ग्लास इसमें पानी डाल दिया, गैस जो है वो मैंने मीडियम कर दिया। अब दोस्तों इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल लीजिए, मैंने 1 चम्मच डाला है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डलेगा दोस्तों। हल्दी पाउडर डालने के बाद में मैंने इसमें 2 चम्मच जो है घर का बना रसम मसाला डाला है। इस रसम मसाले में दोस्तों लाल मिर्ची भी ऐड है, इसीलिए इसमें लाल मिर्ची की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रसम मसाले में लाल मिर्ची नहीं है तो आप लाल मिर्ची और रसम मसाला अलग अलग डाल दीजिए। अगर आपके पास घर का बना हुआ नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, आप बाज़ार का डाल दीजिए। और घर के बने रसम मसाले की रसम की बात ही अलग होती है। आप उसकी रेसिपी मेरे गरम मसाला फोल्डर में, ड्राई मसाला में चेक कर सकते हैं। 3 से 4 दोस्तों खड़ी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। अब करना क्या है, कुछ नहीं दोस्तों, 10 से 15 मिनट तक आप इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उबालिए। उबालने से ही क्या होगा, ड्रम स्टिक जो है सहजने की फलियां वो भी गल जाएंगी, टमाटर भी गल जाएंगे, और जो हमारी रसम है उसमें पूरा स्वाद आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा दबा कर देखा तो सहजने की फली एकदम गल चुकी थी। इसे दोस्तों बीच में से खोल कर, मुँह से ऐसे खींच कर ड्रम स्टिक को खाते हैं। रसम जो है चावलों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। परफेक्ट ड्रम स्टिक वाली रसम के लिए दोस्तों आप ऐसे ही बनाइए, एकदम बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपको थोड़ा सा मीठा पसंद है तो आप इसमें बहुत थोड़ा सा 1 चम्मच गुड़ भी डाल दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। अगर टमाटर आपके खट्टे नहीं हैं तो आप इसमें थोड़ा सा इमली का पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रसम को भगोनी में बनाइए, जिस तरह मैंने बताया इस तरह उबालिए। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन रसम का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस तरह उबालने से दोस्तों इसके विटामिन्स भी बने रहते हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब